नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 और 12 जनवरी के आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उचित होंगे, इन्हें सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 11 जनवरी की बात करें तो दोस्तों इन दिन मंगलवार का दिन होगा। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी और दोस्तों इन दिन अश्विनी नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, इन दिन योग की बात करें तो शुरुआत सिद्धि नाम का शुभ योग और श्राद्ध नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। वही दोस्तों, इसके उपरांत इस दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की। दोस्तों ध्यान रहे, आप राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, ये समय रहेगा शाम के 3:15 से लेकर शाम के 4:35 तक। वही दोस्तों, चंद्रमा इस दिन मेष राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन 12 जनवरी की बात करें तो दोस्तों इस दिन बुधवार का दिन रहेगा। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और दोस्तों दिन भरनी नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, इस दिन श्राद्ध नाम के योग के उपरांत ही शुभ नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि बहुत ही लाभकारी होंगे आपके घर के माहौल के लिए और आपके करियर के लिए। दोस्तों, इस दिन राहु कल के समय दोपहर के 12:35 से लेकर दोपहर के 1:55 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा इस दिन मेष राशि के उपरांत वृषभ राशि में संचार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा के जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करें, जिससे आपको कामयाबी अच्छी मिले। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सहयोग यह समय प्राप्त होगा। किसी अपने का पूर्ण सहयोग मिलने से आर्थिक लाभ प्राप्ति में 4 चांद लग सकता है। वही दोस्तों, यह समय नेगेटिव की अगर बात करें तो ध्यान रहे कि पिता या फिर माता तुल्य किसी व्यक्ति से यश में मतभेद होने के योग बन रहे हैं, जहाँ तक संभव हो इनसे बचने की कोशिश करें। दोस्तों, कुछ अन्य पारिवारिक सदस्यों के बीच भी मतभेद हो सकता है या फिर संतान को लेकर कुछ चिंताएं आपके पास रह सकती है। अपनी व्यक्तिगत बातें और कमजोरियां अपने तक ही इन दिनों सीमित रखें। दोस्तों, यह समय आपके लिए अपने किसी पुरानी तलाश को पूरा करने जैसा समय रहेगा। आप जो है, आपको वो सारी सफलताएं मिलने के संकेत भी मिलेंगे जो आप लंबे समय से पाना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों, कुछ मामलों में आपको परिस्थितियों में समझौता भी करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, यश में आप सकारात्मक समझौतावादी होना आपके लिए शुभ होगा। यश में दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद से आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण खुशियां मिल सकती है। समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, इसका आप लाभ उठाएं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अपने पर किस तरह लेते हैं। दोस्तों, यश में आप मौके को बिल्कुल ना छोड़ें, हर मौके का लाभ उठाएं। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में आप अपने लिए किसी नए जॉब की तलाश भी शुरू कर सकते हैं। बिजनेस में लाभ की स्थितियां बनेंगी। दोस्तों, इन दिनों में व्यवसाय से अच्छा जो लाभ आपको मिलेगा तथा आपके व्यवसाय में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। दोस्तों, यश में आप व्यवसाय को गति दे सकते हैं और उनमें कुछ नया कार्यों को भी ऐड कर सकते हैं, यानी जोड़ भी सकते हैं। दोस्तों, यश में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो कामुकता बहुत अधिक हो सकती है। दोस्तों, यश में अनैतिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है, जिसके कारण जो है अपमान की स्थिति भी उन्नत हो सकती है। अतः दोस्तों, यश में मन पर आप नियंत्रण रखें। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अविवाहित लोगों के लिए किसी के साथ डेट पर जाने का मौका मिल सकता है। संबंधों के लिए समय सकारात्मक रहेगा। वहीं दोस्तों, यश में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको पीठ में खिंचाव की समस्या यश में हो सकती है। दोस्तों, इन दिनों में जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं उनको मेडिकल उपचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वही दोस्तों, यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 3। दोस्तों, यश में गणेश जी कहते हैं कि कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना ही एकमात्र उपाय होगा।
निर्धारित लाभ प्राप्त करने के लिए निश्चित बातों में समझौता करने में और अनुकूल होने में दिन व्यतीत होगा। ऑफिस के काम में अधिक समय व्यतीत होने से परिवार की तरफ कम ध्यान देंगे। दोस्तों, यश में आपका दृष्टिकोण व्यवहारिक रहेगा, परिणाम स्वरूप आप अधिक परिश्रम यश में करेंगे। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति को लेकर बात करें यानी धन को लेकर, तो दोस्तों गणेश जी कहते हैं यश में आप एक नई दिनचर्या का अनुगमन करते हुए उसे पूरा करने का जिम्मेदारी ले सकते हैं। आप पूरे समय अपने लैपटॉप में व्यस्त रहेंगे, लंबित कार्यों को छुटकारा पाने के लिए आप यश में जुट जाएंगे। वही दोस्तों, यश में आपकी पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो दोस्तों यश में आप अपने मांसुख का ध्यान आकर्षित करने की भरकस कोशिश करेंगे। आप महसूस करेंगे कि कोई भी आपके आत्मीय मित्र को आपकी तुलना में बेहतर नहीं जानता है, के लिए आप अपनी शरारतों और प्रशंसा से उसे अपने दिल के करीब लाने का प्रयास करेंगे। एक अच्छा रिश्ता आपके भाग्य में है, ऐसा गणेश जी की भविष्यवाणी है। दोस्तों, यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यश में आपके लिए यह बात काफ़ी निराशजनक हो सकती है कि अधिक पैसे कमाने के आपके जो सपना थे, आपके जो प्रयास थे, यश में व्यर्थ साबित हो सकता है। हालांकि दोस्तों गणेश जी का मानना है कि ऐसी स्थिति जो है थोड़ी देर के लिए है, जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो है अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे, अपने कामयाबी को हासिल भी कर सकेंगे। दोस्तों, यश में मेलजोल और संपर्क में आपका दिन व्यतीत होगा। दोस्तों, यश में कुछ सहयोगीगण आपके कार्यालय में आ सकते हैं, कुछ मेहमान आपके घर में भी आ सकते हैं। एक थकाऊ दिन आपके लिए हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है आप थके हुए मन और शरीर को शांत करने के लिए मधुर संगीत या फिर आध्यात्मिक गीतों को सुने। वहीं दोस्तों यश में किसी दोस्त के साथ गलतफहमी अब फिर हालात खड़े कर सकती है। दोस्तों, यश में किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले संतुलित नजरिए से दोनों पक्षों को जांचें। जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी और उसे अब बेचना चाहते हैं, उन्हें दोस्तों यश में कोई अच्छा खरीदार भी मिल सकता है और जमीन बेचकर उन्हें अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। घरेलू मामलों और काफ़ी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से दिन अच्छा है। विवाह प्रस्ताव के लिए यह सही समय है, क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के साथ में बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों यश में प्रेमी को वक्त देने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों किसी जरूरी काम के आ जाने के कारण आप उनको समय दे पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए यश में काफ़ी कोशिशें करता हुआ नजर आएगा। गजब का दिन रहेगा, फिल्म पार्टी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना इन दिनों में आप पसंद करेंगे। दोस्तों, यश में चंद्रमा की चांदनी में 15 से 20 मिनट बैठना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें, यश में तंदूर की मीठी रोटी बनवाकर गरीब लोगों में खिलाएं। शायद दोस्तों किसी से कोई भी मुफ्त यश में सामान न लें और साथ ही दोस्तों यश में ना ही किसी को धोखा दें। दोस्तों, ये तीनों चीज़ आपके लिए यश में बेहतर होंगी और आपके पूरे साल के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये उपायों को यश में आप जरूर करें, ये आपके लिए भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। और साथ ही दोस्तों, और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।